नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गुरुग्राम गोली कांड में घायल जज के बेटे की मंगलवार सुबह मौत हो गई। 13 अक्टूबर शनिवार की शाम गुरुग्राम में गनमैन ने जज की पत्नी और उसके बेटे को गोली मारकर सनसनी फैला दी थी। हालांकि जज की पत्नी की दूसरे दिन ही मौत हो गई थी। वहीं जज का बेटा ध्रुव जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, मगर आखिरकार मंगलवार की सुबह डॉक्टरों ने ध्रुव को मृत घोषित कर दिया। डीसीपी क्राइम सुमित के मुताबिक जज की पत्नी और बेटा गुरुग्राम के सेक्टर 49 में स्थित मार्केट में कुछ खरीदारी करने गए थे, मगर जब वापस लौटे तो गनर कार के पास मौजूद नहीं था। काफी देर बाद जब गनर महिपाल आया तो उन दोनों ने सबके सामने महिपाल को काफी डांट लगाई। इसी बात से खफा होकर उसने दोनों पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि ध्रुव ने महिपाल को थप्पड़ भी मारा था। यही सब बात महिपाल के दिमाग में घर कर गई और इस घटना को अंजाम दे दिया। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी हुई तो सारे रास्ते सीज कर दिए गए। इसके बाद करीब 1.5 घंटे के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी क्राइम गुरुग्राम ने इस मामले में कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि महिपाल ने जो हत्या की है इसमें कोई योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि इस पूरी घटना को गुस्से में अंजाम दे दिया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।